हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, आज हम लोग कुछ अलग हट के बात करेंगे, ठीक है। देखो, मैं कोरा पे रहता हूँ, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। ठीक है, तो कोरा पे अभी तीन ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहला, हाउ टू क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम, ठीक है, और 550 प्लस मार्क्स कैसे लाया जाए। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू क्वालिफाई और गेट गुड मार्क्स इन जेई मेन्स और IIT इन ओनली 2 मंथ्स, ठीक है। ये जो मंथ्स वाले हैं ना, वो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू क्वालिफाई गेट एग्ज़ाम इन 1.5 मंथ और 2 मंथ्स, ठीक है। तो देखो, एक थोड़ी सी मैं बात करूँगा, बुरा मत मानना, ठीक है। अब तक कहाँ थे, ठीक है, अब तक आप लोग कहाँ थे, चलो कहीं पे भी थे, कोई मतलब नहीं है। एक गेट एग्ज़ाम होता है जो कि इंजीनियरिंग वाले लोग देते हैं, ठीक है, फॉर BTech और मास्टर डिग्री, ठीक है। ये लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, ये लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बस एक यही है, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, ठीक ना। तो देखो, गेट एग्ज़ाम के लिए अभी मात्र 75 डेज टू 80 डेज बच गए हैं, ठीक है, मात्र 75 डेज बच गए। 15 डेज ऑफ दिस मंथ एंड 2 मंथ्स दिसंबर एंड जनवरी और फेब में कुछ होंगे, तो 5-10 दिन, इसलिए मैं 80 डेज लेके रखा। नीट में अभी समय है, अच्छा खासा समय है, आराम से पढ़े। IIT के लिए भी बहुत समय है, ठीक है, अच्छा खासा समय है, ठीक ना। जनवरी वाला तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, मतलब समझो कि जनवरी में ही निकल गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो देखो, मैं आज थोड़ी हट के बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ कहानी सुनाऊंगा एक, ठीक है। देखो, कुछ भी होता, मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारा मैंने भी एग्ज़ाम दिया, बहुत बार दिया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ दो चीज़ ही होता है मेरे साथ, या तो मैं सीखता हूँ या तो मैं जीतता हूँ, ठीक है। अगर मैं जीतता हूँ तो ठीक है, जीत गया। अगर मैं नहीं जीतता हूँ तो मैं सीखता हूँ, और सीखता हूँ तो मैं दोबारा एग्ज़ाम देता हूँ और दोबारा फिर जीतता हूँ, ठीक है। इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है, ठीक ना। तो देखो, बहुत सारे फेलियर हैं, ठीक है, जितने आप लोग सक्सेसफुल बोलते हैं एप्पल के। तो देखो, गेट कैसे निकलेगा 75 टू 80 डेज में, अगर आप लोग 35+ स्कोर करते हैं गेट में, अगर 35 स्कोर करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, कुछ तो कुछ हो ही जाएगा लाइफ में, कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। और 60 करते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि 60 मार्क्स आने पर क्या होता है, ठीक है। गेट, मैं गेट की बातें कर रहा हूँ, गेट में बहुत ही कम समय बचा हुआ। तो एक देखो, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी लेट नहीं होता, ठीक है, इट्स नेवर टू लेट, अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है, इट्स रिमेंबर वन थिंग दैट इट्स नेवर टू लेट, ठीक ना, कभी भी लेट नहीं होता, ठीक है। तो एक छोटी सी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, मैं बहुत ही कॉम्प्रेस करके डालूंगा वीडियो को, ठीक है। MB आप लोगों का नहीं जाएगा, मुझे मालूम है, MB का बहुत टेंशन रहता है आप लोगों, तो MB नहीं जाएगा, मैं कंप्रेस करके। देखो, होता है कि जी मेरा HD वीडियो का आता है क्वालिटी, हाई क्वालिटी HD वीडियो में भी है, दो क्वालिटी होता है, जो टॉप वाला है वो है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा MB ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी GB में भी चल जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोगों का MB उठता है। पर मैं समझता हूँ, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, ठीक है, ठीक ना। मैं थोड़ा छोटा करूँगा, इस वीडियो में कुछ बातें होगी, एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अपनी बातें करूंगा, ठीक है, पर वो एग्ज़ाम के बाद बताऊंगा, ठीक है। नीट, गेट, ये सब एग्ज़ाम हो जाने दो, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो वीडियो देखो, एक स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शायद ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है, शायद सुनी भी होगी, शायद नहीं भी सुनी होगी। देखो, एक बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाने वाला एक इंसान होता है, ठीक ना। तो वो जंगल से गुजर रहा होता है अपने घर की ओर, ठीक है। तो उसे एक बीच में पत्थर मिलता है, ठीक है, एक पत्थर मिलता है। तो वो मूर्ति बनाने वाला जो रहता है, वो इसे देखता है तो बोलता है कि कितनी सुंदर पत्थर है, मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा और इसे मैं मंदिर में ले जाके रखूंगा। तो वो जाता है मूर्ति बनाने वाला, इस पत्थर को उठाते हैं, ठीक है। तो उठाते ही पत्थर वाला बोलता है कि क्या हुआ मुझे, ठीक है। ये पत्थर ने उस मूर्ति वाले से बोला, क्या हुआ, क्या आपको चाहिए, ठीक है, क्यों मुझे उठा रहे हो। तो वो मूर्ति बनाने वाले ने बोला कि मैं आपकी बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाऊंगा और आपको मैं ले जाकर मंदिर में आपकी स्थापना करूंगा। तो ये पत्थर ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे मत बनाओ, ठीक है, मुझे बहुत ही दर्द सहना पड़ेगा, आप मुझ पर बहुत ही कुल्हाड़ी मारोगे, हथौड़ा मारोगे, मुझे घास दोगे पूरा एकदम से, नहीं मुझे मत बनाओ, मुझे बहुत ही दर्द होगा, ठीक है। तो वो मूर्ति बनाने वाले ने बोले कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, तब आपकी मर्जी, ठीक है। तो मूर्ति वाला इस पत्थर को छोड़ के वो आगे की ओर चला जाता है। तब वो आगे की ओर जाता है तो उसे फिर एक सुंदर सा पत्थर मिलता है, ठीक है, फिर उतना ही सुंदर सा एक पत्थर मिलता है। तो वो मूर्ति वाले ने स्टार्ट किया मूर्ति बनाना, ठीक है, और इस पत्थर ने कुछ भी नहीं बोला मूर्ति वाले से, ठीक है।
बहुत ही मेहनत किया और बनाते 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 मूर्ति बहुत ही सुंदर सा मूर्ति बना डाला इस पत्थर का। ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ गांव के लोग आए तो देखे कि अरे इतना सुंदर मूर्ति रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वो बना के तो अपना चला गया, उससे कोई मतलब नहीं था। फिर गांव के कुछ लोग आए तो बोले कि इतना सुंदर मूर्ति है, अब हम लोग इसका क्या करें। तो वो उस मूर्ति को ले जाकर मंदिर में स्थापना कर दिया गया। अब उस मूर्ति का क्या चीज होता है, हार चढ़ाया जाता है, पूजा होता है, फूल से उनका पूरा मतलब फूल उन पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगरबत्तियाँ लगती है, फल उन पे चढ़ती है। ठीक है, बहुत ही सेवा सत्कार होता है। ठीक है, फिर एक गांव वाले उन्हें थोड़ी सी पीछे मतलब वापस आ रहे थे, थोड़ी सी पीछे गए तो ये पत्थर मिला। तो सोचे गांव वालों ने कि देखो मूर्ति तो हो गया, पूजा तो हो गया, पर नारियल किस पे फोड़ेंगे, तो क्यों ना हम इस पत्थर को ले लें नारियल फोड़ने के लिए। तो ये वाला पत्थर लेके चले गए मंदिर में और इस पत्थर पे क्या चीज करते हैं, कोकोनट फोड़ते हैं, मीन्स नारियल फोड़ते हैं। तो आप देखो एक चीज यहाँ से आती है, इस पत्थर ने दर्द सह लिया। ठीक है, इस पत्थर ने दर्द सह लिया, थोड़ी देर कुछ घंटा लगा होगा, कुछ दिन लगा होगा, कुछ महीने लगे होंगे। ठीक है, कुछ महीने लगे होंगे मूर्ति बनाने में, कुछ महीने भर ये इस पत्थर ने सह लिया दर्द। आज ये क्या चीज है, मूर्ति बनकर आज इस पे सालों सालों हजारों साल तक फूल चढ़ेंगे, फल चढ़ेंगे, अगरबत्तियाँ दिखेगी। ठीक है, और इस पे क्या होगा, नारियल फोड़े जाएंगे। अगर ये भी अगर दो मंथ समय लगता है या एक दिन लगता है या जितना भी समय लगता है पत्थर बनाने में, अगर वो झेल लिया होता तो सालों सालों भर उसकी भी पूजा होते। ठीक है, पर क्या चीज होगा, अब इस पे पूरे जीवन भर इस पे पत्थर फोड़ा, नारियल फोड़ा जाएगा इस पत्थर पे। ठीक है, क्या चीज फोड़ा जाएगा, नारियल फोड़ा जाएगा, तो इसे कितना दर्द सहना पड़ेगा हजार साल तक। तो सोचो ये 2 महीने के दर्द से बेटर था हजार साल का दर्द, अरे इस हजार साल के दर्द से बेटर था कि ये 2 महीने का दर्द ही सह लिया जाए। ठीक है, था कि नहीं था बेटर। ठीक ना, तो हमेशा याद रखना है, हीरे के जैसा चमकना है तो घसना पड़ेगा। हीरा ऐसे नहीं आता, हीरा कोयला खदान से आता है। ठीक है, और कोयला खदान से जब हीरा निकाला जाता है तो उसे घस दिया जाता है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप लोगों को एक मोती दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं मोती सीधा करके दिखाता हूँ, ये देखो इसमें इतनी घसी गई है। ये कुछ ऐसे मोती नहीं है, इसे बनाया गया है। ठीक है, इसे घस दिया गया है पूरा। ठीक है, इसे सामने से आप लोग देखोगे तो इसमें लाइन मार्क दिखाई देगा। ठीक है, घस दिया जाता है। ठीक है, तब जाके वो हीरा बनता है। ठीक है, ये हीरा नहीं है। ठीक है, ये सिंपल मोती है। ठीक है, तो वही मैं बस सिंपली बताना चाह रहा हूँ, अगर ये 2 मंथ आप लोग सहलोगे, ठीक है, 2 मंथ सहलोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट, 5 चीज करना क्या चाहिए 2 मंथ में। ठीक है, 3 मंथ बचे या जितने भी दिन बचे हुए हैं, अगर आप लोग सह लेते हो तो हजार साल तक पूरे जीवन तक जब भी 50 साल जीना है या 30 साल जीना है या जितने भी आपकी सेवा होगी, सत्कार होगी, पूजा होगी, इज्जत होगी, सम्मान होगी। ठीक है, सब चीज होगा आपके पास, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक ना, तो जो भी देखो, मैं बहुत कोई इस वीडियो को देखेगा या बहुत कोई नहीं देखेंगे, मतलब बहुत कोई ही देखने वाले हैं, तो इंजीनियरिंग वाले तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। ठीक ना, तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। भटकिए मत, ठीक ना, भटकिए कभी भी मत। मैं डायरेक्टली मैं नहीं जाऊँगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, और जो भी चलता है आप लोगों का, ठीक ना, वो सब मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा। दुनिया मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है। गूगल होता है, गूगल पे आप लोगों को नहीं मालूम होगा, कभी गूगल का अंदर जाके देखिए। ठीक ना, कभी मतलब सर्च कीजिए कि गूगल का हम लोगों को इंटीरियर दिखाए या कैंपस दिखाए। ठीक है, कैंपस ऑफ गूगल, ठीक ना, सर्च कीजिए और उसका वीडियो देखिए। वहाँ काम नहीं होता, भूल जाइए कि वहाँ काम होता है, वहाँ मज़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है। खाना वहाँ का भी यही होगा, खेलना होगा। ठीक है, गेमिंग रहेगा, नंबर 1 गेम रखते हैं वो वर्ल्ड वाले। ठीक ना, नंबर 1 गेम, ठीक ना, वो रखते हैं। प्लस आप लोगों के लिए खाना होगा, प्लस आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट होगा, प्लस आप लोगों के लिए आउटडोर गेम होगा। ठीक ना, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, सब चीज़ होगा। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट मैं देखा हूँ। ठीक है, ठीक ना, मतलब वो काम नहीं है, वो
बिंदास अपना काम कीजिए जितना कर सकते हैं। 1 घंटा करना 1 घंटा कीजिए, उठ के चले जाइए। 2 घंटा कीजिए, 3 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए, आपका घंटे पे पैसा मिलता है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ठीक ना, पर मिनट पे आपका पैसा बनता है, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, नीट और जेई मेंस वाले मत जाइएगा, जेई मेंस वाले जाइए, जेई मेंस IIT कीजिएगा तो आप लोग को जरूर मिलेगा गूगल और इसमें प्लेसमेंट, ठीक है। तो बहुत ही इंटरटेनिंग है, तो आप लोग देख लो, ये 2 मंथ या 3 मंथ आप लोगों के लिए ज़रूरी है या आने वाला 30 ईयर्स और 40 ईयर्स ज़रूरी है, ठीक है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। बहुत कोई ये वीडियो देखेंगे, क्लोज़ करेंगे, ख़त्म करेंगे कहानी, ठीक है। एक वीडियो था 5-10-15 मिनट का, देख लिया, हो गया ख़त्म, कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। मैं जानता हूँ होता है ये, ठीक ना, कोई ये होता, वो आज भी फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कल भी फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, उन लोगों को मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे ना मेरा कुछ जाता है ना आपका कुछ जाता है, ठीक है। जो जाएगा उनका जाएगा, जो अपना समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं 5 चीज़ का करना क्या, कंटिन्यूटी एक ऐसा चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। देखो आप लोग मेरी बात मत सुनो, आप लोग, मैं बता रहा हूँ, जिसको भी आप लोग बेस्ट अपना आइडल मानते हो, कोई तो होगा आपका फेवरेट, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेटर में कोई फेवरेट होगा, ठीक है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कुछ भी खेलते हो या पढ़ते हो या आप लोग सर्चिंग में हो या आप लोग किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट होगा और उस इंटरेस्ट में, उस फील्ड में जो टॉप पे है उनको उठाइए और उस टॉपर का आप सर्च कीजिए, उनका स्ट्रगल देखिए, 100% मैं बता रहा हूँ, बहुत ही लंबा चौड़ा स्ट्रगल होगा, ठीक है। एप्पल के मालिक के बारे में चेक कीजिए, ठीक ना, स्टीव जॉब्स, उनके बारे में सर्च करके देखिए आप लोग, आज एप्पल दुनिया का 1 फोन है, ठीक है, और 1 कंपनी है और सबसे महंगा बिकने वाला इंडिया का ब्रांड है वो, ठीक ना। सर्च कीजिए कभी स्टीव जॉब्स का, लंगर में खाना खाते थे, लंगर होता है पंजाबी में, लंगर चलते हैं, ठीक ना, तो पंजाबी में आप लोग समझ रहे हैं ना, पंजाबी में गुरुद्वारा होते हैं और गुरुद्वारा में लंगर चलते हैं संडे को, ठीक है। तो वो 3-4 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर पैदल चल के लंगर खाने जाते थे क्योंकि उनके पास खाना खाने का पैसा नहीं होता था, ठीक है, दोस्त के घर में रहते थे, ठीक है, ठीक ना, तो बहुत ही स्ट्रगल होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी रखिए, देखिए हरभजन सिंह का अभी नया एक कहना था कि रोहित शर्मा इज मोर टैलेंटेड देन कोहली, रोहित शर्मा इज मोर टैलेंटेड देन कोहली, जो क्रिकेट को मानते हैं उनकी मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, रोहित शर्मा इज मोर टैलेंटेड देन कोहली बट ड्यू टू हार्ड वर्क कोहली इज 1 इन द वर्ल्ड, ठीक ना, कोहली आज 1 है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, टेस्ट उठा लीजिए, ODI उठा लीजिए, सब चीज़ में, ड्यू टू कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, दोनों इक्वली ही चीज़ है, ठीक है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो हमेशा कंसिस्टेंसी रखिएगा, ठीक है, हमेशा हमेशा, ठीक है। अगर आज आप लोग 4 घंटा पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, मैं तो हर चीज़ में बोलता हूँ इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस, ठीक है, ये मेरा कहना है, ये 100% मान लीजिए, इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस, पूरा जान लगा दिए, ठीक है, आज जान लगा दिया, आज 4 घंटा पढ़े जो कभी नहीं पढ़ते थे, ठीक है, मान लीजिए 5 घंटा आज पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक ना, 5 घंटा आज पढ़ते हैं और इसे आप लोग रेगुलर बना लिए इंटेंसिटी के साथ, तो स्टार्ट किए जान लगा के, 4 दिन पढ़ेंगे पर 5वां दिन आप लोग छोड़ देंगे, पर 5वां दिन क्या चीज़ याद आना चाहिए, कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी बना दी है तो मैं कहता हूँ कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंटेंसिटी प्लस कंसिस्टेंसी। दूसरा, कंट्रोल होना चाहिए, खुद के दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए, मैंने बोला ना फेसबुक व्हाट्सएप और तमाम तरह की चीज़ों पे चला जाता है दिमाग, तो हमेशा कंट्रोल में रखिए उसे, ठीक है, मैं जानता हूँ कंट्रोल नहीं होता पर कंट्रोल कीजिए, इसीलिए तो मैं 5 घंटा से आपको मालूम नहीं होगा 12-12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। एक है, ठीक ना, एक मेरे दोस्त ही हैं, ठीक है, पर मुझसे सीनियर है, ठीक है, तो उन्हें एक एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग के बाद ही जो कि फॉरेन लेवल पे होता है, वो एक ही अटेम्प्ट है उसका, ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट नहीं मिलता है, अगर वो निकल जाता तो आपको MIT कॉलेज फॉरेन में पढ़ने मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए वो 12 घंटे पढ़ते हैं आज से, ठीक है, फेब में एग्ज़ाम है, फेब या 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो वो 12 घंटे पढ़ते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, ठीक है, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, तो वो 12 घंटा हाथ से पढ़ते हैं
और कंटिन्यूअस के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो सक्सेस 100% मिलेगा यार, 100% मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन हो जाना चाहिए, चौथा चीयरफुलनेस, खुद को चीयरफुल कीजिए, ठीक है, खुद को चीयर्स कीजिए। मैं बताता हूँ, एक दिन चीट डे रखे, ठीक है, चीट डे अब देखिए कैसा, शायद किसी को समझ में आया, किसी को नहीं। अब क्या कीजिए, जैसे कि एक हफ्ता होता तो एक हफ्ता में क्या करना है कि छः दिन पढ़ना है, ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ें, ठीक है, ठीक है, और इसके बीच में एग्ज़ाम दीजिए, इसके बीच में AITS दीजिए, जो भी बेस्ट AITS है, दो AITS ज़रूर भरिए, और मैं बोलता हूँ इस AITS में जितना फेल हो सकते हो फेल हो जाइए, ठीक है, इस AITS में थोड़ा, मेरी बात मुझे मालूम है थोड़ा उल्टा सीधा लगता है, पर मैं थोड़ा अजीब बात ही बोलता हूँ, ठीक है, जितना फेल हो सकते फेल हो जाइए, पर कैसे फेल होना मैं बताता हूँ, 100% अपना पढ़ के फेल होना, ठीक है, 100% करके फेल होना है, ठीक है, अगर 100% आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक सिलेबस आपको कम से कम मालूम चल जाएगा, ठीक है, जो स्टार्ट अभी कर रहे हैं, 2-3 महीना बचा हुआ तब आँख खुला है तब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस AITS से आपको सिलेबस मिल जाएगा कि हाँ इस सिलेबस से पूछा जा रहा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आप लोगों को सिलेबस एटलीस्ट मालूम चल जाएगा हाँ क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, तो AITS ज्वाइन कीजिए कोई सा भी, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता हो, मैं कोई यहाँ प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है, गेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, AITS ज्वाइन कीजिए, JEE मेंस और नीट वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, AITS ज्वाइन कीजिए और उसमें 100% अपना पढ़िए, ठीक है, जो भी सिलेबस है 100% दीजिए उसका, और उसके बाद अगर आप फेल होते हैं ना, मैं कहता हूँ कुछ बड़ा चीज़ आपके लिए वेट कर रहा, बहुत ही बड़ा चीज़ आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है, बहुत जीवन में बहुत बड़ा चीज़ होने वाला आपके साथ, ये चीज़ याद रखिए, अगर 100% देते हैं और फेल होते हैं तो फेल तो होते ही नहीं है, ठीक ना, ये दुनिया के मायने में फेल मैंने लिखा है, ठीक है, पर फेल नहीं होते, मैं बोल दिया ना, आगे बहुत बड़ा चीज़ वेट कर रहा होता, ठीक है, तो ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आ गया, मान लीजिए अच्छा नंबर आ गया या जो भी आ गया, ठीक है, बस मंडे से सैटरडे के बीच में मैंने AITS दिया, इतना मैंने सिलेबस कम्प्लीट किया, अब संडे को क्या करना है, संडे को चीट डे रखना, अगर मैंने आज चार चैप्टर कंप्लीट किया तो संडे को मुझे चाट खाना जाके, ठीक है, चाउमीन खाना, चाट खाना, जो फेवरेट है वो खाइए एकदम दबा के, ठीक है, ठीक है, संडे को मैं 2 घंटा कम पढ़ूंगा, संडे को मैं 3 घंटा कम पढ़ूंगा, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक ना, एक दिन ऑफ डे रखिए और तब मजा आएगा, तब वो चाट का जो है ना अलग फीलिंग आने वाला है, ठीक है, वो चाट का अलग फीलिंग आने वाला है, ठीक है, करके देखिएगा एक बार आप लोग, बहुत ही अलग फीलिंग आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक ना, और कॉन्फिडेंस रखिए अपना, 100% कॉन्फिडेंस रखिए, होगा। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, एक और छोटी सी, ठीक है, एक स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है, 4 साल से, ठीक है, 4 ईयर से, ठीक है, 4 ईयर से, ठीक है, हर बार उसका 259-258 के पास अटक जा रहा था, ठीक है, कोटा LN भी किया, ठीक है, भोपाल में भी गए वो पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, 5वां साल यही दिवाली बीता, दिवाली बीतने के बाद वो फिर से कोटा गए, कोटा में ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक बात ठान लिया, मतलब ना फेसबुक पे अपने दोस्त से बात कर सकते थे, ना व्हाट्सएप पे बात कर सकते थे, सोचो कितना बुरा लगता है, कोई 4 साल अगर वेट कर जाता है किसी एक चीज़ के लिए, ठीक ना, अगर उन अपने दोस्त से बात करते फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो उनके दोस्त कॉलेज में थे और वो कहाँ थे, 12th pass, ओनली 12th pass, तो वो अगर पूछे क्या कर रहे हो भाई, तो 12th pass हूँ मैं, सोचो ये कैसा लगता है बोलने में, ठीक ना, तो वो ना फेसबुक चलाते थे ना व्हाट्सएप चलाते थे, ठीक है, ठीक है, इसको समझो बात को, ठीक है, तो वो 5वां साल सीधा बोले, 4th year ही था उनका, ठीक है, 3 बार दे चुके थे, कुछ नहीं हुआ, मतलब ये मार्क्स था, ठीक है, तो 4th year में दिए, ठीक है, 4th year में दीपावली के बाद का समय था, तो उन्होंने बोला कि मैं इस एग्ज़ाम में टॉप करूँगा, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आऊँगा, 2012 या 2013 का मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुराना बात नहीं है, ठीक है, ठीक ना, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आऊँगा, और मालूम है क्या हुआ, 5 महीने में, 5-6 month में क्या हुआ, ऑल इंडिया रैंक, ही गेट्स ऑल इंडिया रैंक 29, समझो, जो कि 3 साल से फेल किए जा रहा है, 258-259 लेके आ रहा मार्क्स, वो 4th year में दीपावली के बाद 5 महीना बोल दिया कि मैं फर्स्ट आऊँगा, ठीक है, मैं फर्स्ट करना है, मीन्स फर्स्ट करना, जो फर्स्ट वाले पढ़ते हैं अगर 16 घंटा पढ़ते हैं वो, तो मैं 17 घंटा पढ़ूंगा,
ठीक है, अगर वो 500 क्वेश्चन लगाते हैं तो मैं 600 क्वेश्चन लगाऊंगा, पर मुझे टॉप करना है, मीन्स टॉप करना है, ठीक है। तो ही गेट्स ऑल इंडिया रैंक 29, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कभी उदास मत हो, कभी भी उदास मत हो, ठीक है, कभी भी उदास मत हो, ठीक है। एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, पटिवार, पटिवार आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक ना, पटिवार बोलते हैं, राजस्थान में बहुत ही लो ग्रेड का पोस्ट होता है, 2500 से 5000 की तनख्वाह होती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से वो पढ़ते 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 DSP बन गए, ठीक है। DSP बने तो बहुत ही उदास थे, पर उस उदासी को मार के UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की परीक्षा दी, तो उन्होंने 170th रैंक क्वालिफाई किया, ठीक है। ही गेट्स पोस्टेड इन SP जस्ट उसी के बाद। ये आया कहाँ से था, ये RAS का एग्जाम से आया था, RAS का एग्जाम से बाद UPSC की एग्जाम दिया, उन्होंने आज SP है, ठीक है। नाम है गोयल, ठीक ना, गोयल नहीं, राजस्थान के SP, मैं नाम थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक ना, नाम स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं IAS से मिला था, थोड़ी सी मैं बता ही दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं IAS से मिला था जब मैं क्लास 11th में, नहीं 12th में था, जब मैं क्लास 12th में था, तो मैं एक IAS से मिला था। वो IAS एक रांची में कॉलेज है, जो कि JEE मेंस निकालने पे लेते हैं, उस कॉलेज का नाम है BIT मिश्रा, ठीक है, BIT मिश्रा। उस कॉलेज के स्टूडेंट में 2012th के वो बैच स्टूडेंट थे, ठीक ना, बैच के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया था, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की था, मुझे अच्छा से याद नहीं है, ठीक है। तो मैं उससे मिला, तो मैंने बोला कि आपने BIT मिश्रा से किया, और उन्हें USA में 32-35 लाख का जॉब ऑफर हुआ था, और वो जॉब कर रहे थे USA में, ठीक ना। तो मुझे लगा कि ये भैया USA का जॉब इतना हाईएस्ट पैकेज छोड़ के ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तब उन्होंने बोला मुझसे कि मैंने ये जॉब छोड़ा था, और बहुत ही रिस्क पे लेके छोड़ा था, ठीक है। उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी बहुत ही कमज़ोर थी, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, ठीक है। पर वो छोड़ दिए क्योंकि उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था, सिर्फ एक चीज़ था, क्या चीज़ था, कॉन्फिडेंस, कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सिर्फ कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो ये होता कॉन्फिडेंस का पावर। उन्होंने IAS का एग्ज़ाम दिया, UPSC का एग्ज़ाम दिया, ही गॉट 99th रैंक, एंड ही इज़ IAS एट पोस्टिंग, पोस्ट है वहाँ, बोकारो का पोस्टिंग है, ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग है, ठीक है। तो मैं मिला था, क्लास 12 में था तब उनसे, ठीक है। तो ये बात ही हुई थी, ठीक है। तो ये सब तो छोटी मोटी एग्जाम है, मतलब छोटी मोटी नहीं, बहुत ही टफ लेवल की एग्जाम भी मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे डर बैठ जाता दिमाग में, ठीक है। ये जो मैं पटवार से जो बने SP, वो बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ किया है तो आप लोग बताइए कि सब एग्जाम ही चाहिए होता है, ठीक है। जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्लियर बात मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब ये लोग कर सकते हैं ना, तब आप लोग भी कर सकते हैं। तो आज से बस यही सोचना है कि अगला नीट का टॉपर कौन होगा, आप होगे, ठीक है। अगला नीट का टॉपर कौन होगा, आप होगे, आप जो इस वीडियो को देख रहा है वो नीट का टॉपर होगा। अगला गेट का टॉपर कौन होगा, आप होगे, 2-3 मंथ कुछ नहीं, ठीक ना। 5 घंटा से स्टार्ट करो, सिलेबस लो, सैटरडे टू संडे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, कमिटमेंट करो, करना है नहीं तो मरना है, ठीक है, एकदम 100% कमिटमेंट करो, ठीक है। देखो बहुत लोग ना जो वेट करते हैं वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, ठीक है। जो वेट करते हैं ना उनको वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं पीछे से, ठीक है, ठीक ना। तो याद रखना, नीट में टॉप करना है, 2019 आपका और किसी का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रैंक गेट में टॉप करना है, फर्स्ट रैंक IIT में टॉप करना है, फर्स्ट रैंक, ये कंपटीशन है। एक छोटी सी मैं और बात बताता हूँ 2018 का ही, ठीक है। वीडियो आज कितना लंबा होगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आज निकल रहा है, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही शॉर्ट करके डालूंगा वीडियो, ठीक है। ये वीडियो मुझे मालूम है, मैं वीडियो तब रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत ही हाई HD का वीडियो क्वालिटी हो जाता है, जिसके कारण इसका MB बहुत हाई चला जाता है, GB में भी चला जाता है, तो आप लोगों को देखने में बहुत ही MB आप लोगों का उठता है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, ठीक है। तो 2018 का मैं एक बात बताता हूँ, IIT का एडवांस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो देखो ये कोई क्वालिफाइंग मार्क्स और पासिंग मार्क्स नहीं है, देखो अब मेरा वाला यहाँ पे आता है, मैं बोलता हूँ ना फेल कोई नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे आता है 2018 IIT एडवांस में हुआ क्या था, 18,000 स्टूडेंट पास किए थे, जो कि दुनिया को लगता है कि यही पास किए हैं, ठीक है,
ठीक ना। तो क्या हुआ था कि मात्र 18,000 स्टूडेंट थे, सीटें थी 10,000, तो अब सब तो जा नहीं सकते थे, ठीक है, सब तो जा नहीं सकते थे। मीन्स जो ऊपर वाले थे वो बहुत ही हाई स्कोरिंग मार्क्स लाए थे, ठीक है, और जो नीचे वाले थे वो थोड़ा सा लो थे, ठीक है। तो पूरा सीट भरा, तो भरा कैसा गया, तो दोबारा रिजल्ट बनाया गया और 32,000 से 34,000 स्टूडेंट को दोबारा पास किया गया, दोबारा क्वालिफाई किया, और ये टोटल स्टूडेंट ने काउंसलिंग किया, ठीक है, और इनमें से भी कॉलेज बहुतों को एलोटेड हुआ है IIT में, ठीक है, IIT। और 2018 में रिसेंट की बात कर रहा हूँ, इसी साल की, ठीक है। तो फेल कोई नहीं होता है, ये एक कंपटीशन है, दिमाग में डाल लो, जो बेस्ट होगा कंपटीटर वही जीतेगा, ठीक है, और जो बेस्ट नहीं होगा वो नहीं जीतेगा, सिंपल सी बात है, नहीं जीतेगा, फेल नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं जीतेगा, शायद उसके लिए कुछ और बनाओ, ठीक है, ठीक है, या तो जीतेगा या तो सीखेगा, हारेगा कभी नहीं और फेल तो कभी नहीं होगा, ठीक ना, फेल कोई नहीं होता, ये हटा दो दिमाग से, ठीक है। तो ये पांच चीज करना, मेरी बात मान लो, आप अभी भी समय है, और क्वेश्चन पूछना बंद करो, पढ़ाई में लग जाओ 100%, ठीक है। कंटिन्यूटी, कंट्रोल, कंसंट्रेशन, शेयरफुलनेस, कॉन्फिडेंस करो, मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ होगा, ठीक है, 100% होगा, ठीक है, ठीक है। वीडियो लेंथी हो गया, आधा घंटा का हो ही गया, थैंक्स देखने के लिए जो देखे हैं, ठीक है, कंटिन्यू रखिए, इसे 100% सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है।